तो भट्ट साहब के अंदाज में बोलूंगा, डोगरा जर्नलिस्ट जो नाम है ना, ये बहुत लोगों को टच लगाता है, लेकिन लेकिन बोलते ना आने वाले सभी सालों में उनको टच लगते रहे और हम लोग खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और मुस्कुराहट बिखेरते रहेंगे। पहले तो केक खा लेते हैं, बचपन से बहुत पसंद था केक, मम्मी की कसम जबरदस्त। क्या होता था कि बचपन से नजरें जो होती थी ना, वो किसका बर्थडे है उसकी जरूरत नहीं होती थी, उस पर नजर नहीं होती थी, केक कौन सा लाया है, चॉकलेट का या स्ट्रॉबेरी का, उसके ऊपर नजर होती थी। बहुत बहुत मुबारकबाद आशीष भाई को और आने वाले जितने भी इनके साल अच्छे गुजरे, हमारी यही मनोकामना है माता रानी से, और हमेशा खुश रहो आशीष भाई। थैंक यू हैप्पी बर्थडे। चलो जी, और ये सरप्राइज दिया है हमारे डॉक्टर साहिल पर, डॉक्टर साहब, बड़े भाई डॉक्टर साहिल जी ने, और सय्यम ने, हमारे डोगरा जर्नलिस्ट, और साथ में दिव्यांशु, हर बार सरप्राइज देते हैं, पिछली बार माता रानी ढेर सारी खुशियां दे आपको, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। संयम भाई आज आज कुछ कॉमेडी हो जाए, बड़े भाई डॉक्टर साहब। पहले तो केक खा लेते हैं, बचपन से बहुत पसंद था केक, मम्मी की कसम जबरदस्त। क्या होता था कि बचपन से नजरें जो होती थी ना, वो किसका बर्थडे है उसकी जरूरत नहीं होती थी, उस पर नजर नहीं होती थी, केक कौन सा लाया है, चॉकलेट का या स्ट्रॉबेरी का, उसके ऊपर नजर होती थी। तो भट्ट साहब के अंदाज में बोलूंगा, डोगरा जर्नलिस्ट जो नाम है ना, ये बहुत लोगों को टच लगाता है, लेकिन लेकिन बोलते ना आने वाले सभी सालों में उनको टच लगते रहे और हम लोग खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और मुस्कुराहट बिखेरते रहेंगे। और यही बोलता हूँ, हाँ जी डोगरा जर्नलिस्ट जी, हाँ जी टच लगाया आपने। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आशीष भाई को और आने वाले जितने भी इनके साल अच्छे गुजरे, हमारी यही मनोकामना है माता रानी से, और हमेशा खुश रहो आशीष भाई। थैंक यू हैप्पी बर्थडे। चलो जी, और ये सरप्राइज दिया है हमारे डॉक्टर साहिल पर, डॉक्टर साहब, बड़े भाई डॉक्टर साहिल जी ने, स्लो डॉक्टर साहब, और सय्यम ने, हमारे डोगरा जर्नलिस्ट, और साथ में दिव्यांशु, हर बार सरप्राइज देते हैं, पिछली बार तो रात को आए थे लेकिन इस बार भी इन्होंने आना था, लेकिन इस बार हमारी भाभी जी का भी जन्मदिन था, यशिका का, दोनों भाई बहन का, 24 को यशिका भाई बहन का होता है जन्मदिन। और आज तो चलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब का, दिव्यांशु, सभी जितने भी हैं, महेंद्र भाई, अभिषेक, नरेंद्र भाई, साढ़े विमल जी, सारों को धन्यवाद। ये साढ़े भाई नजर आते हैं, पता कहा मैं मोहिंदर जीत, ये नजर आते हैं सारे कहा ट्रैफिक पुलिस वालों के पास जाते हैं, लेकिन चलो बड़ा अच्छा खुशी होती है कि भाई ने अपनी मेहनत से चैनल को इतना ग्रो कर लिया, और आशीष भाई के अंदर जो होगा वो तो फिर छा ही जाएगा, और जेके चैनल का मोहिंदर भाई ने बहुत अच्छा, विमल वाला भारत, मैं भारत मॉनिटर, मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छे आशीष भाई को सभी मीडिया वाले जो है अच्छे से सपोर्ट करते हैं, सारे सपोर्ट करते हैं बिल्कुल हमेशा, और जब कुछ एक दो लोगों को परेशानी होने लगती है तो ये ऐसे सपोर्ट करते हैं, एक दीवार बन के सामने आते हैं, तो वो दीवार के जो जो टकराता है बेचारा बड़ी मुश्किल से गिर गुर के ना, फिर बड़ी मुश्किल होती है उनके लिए भी, मुंह मीठा करने के लिए डोगरा जर्नलिस्ट के, उनके लिए भी केक भाई, ये मुंह मीठा करो, जो भी अंदर कड़वाहट है उसको बाहर निकालो, अब नया साल भी आने वाला है, अब छोड़ो यार दुख, टेंशन नहीं लेने, हंसना है, खुश रहना, ये सबसे अच्छी बात है कि जब भी कुछ कोई भी मुसीबत आती है तो ये मेरे जो भाई है ना, ये सारे चट्टान की तरह खड़े होते हैं और मुझे मेरी हिफाजत करते हैं, और यही मेरे भाई हैं, कभी आपको हा? क्योंकि आप बड़े दिल से काम करते हैं, ठीक है, थैंक यू और काम करने वाले के लिए ना, उसके लिए कभी मुसीबत नहीं आती, आज फिर कमेंट तो नहीं आएंगे स्टेटस वगैरह, तो आप जाएं, हो सकते हैं कोई बात नहीं, सड़न पड़ती है उनके लिए, उनके लिए सही हमने बोला है, मीठा केक, मीठा केक उनके लिए, जिसको बरात भी ना बुलाया हो, बड़ी दिक्कत होती है उनको, अच्छा शादी पॉइंट पे आ जाओ फिर, अच्छा चलिए जी, थैंक यू सो मच, सबको राम राम।